वेलकम टू सुपर क्विक रिवीजन लेक्चर नंबर 19. हम लोगों ने 18 लेक्चर्स अभी तक ख़त्म कर लिए हैं. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 5 लेक्चर्स ख़त्म कर लिए हैं. जो भी आप लोगों ने 5 लेक्चर्स के अंदर अभी तक किया है, ऑल दोज थिंग्स विल गेट लिंक्ड अप थ्रू प्रॉफिट वेरिएंसेस. आज का जो अपना टॉपिक है प्रॉफिट वेरिएंसेस, तो स्टार्ट करते हैं विद प्रॉफिट वेरिएंसेस. प्रॉफिट वेरिएंसेस लाइक सेल्स, प्रॉफिट वेरिएंसेस लाइक फिक्स्ड ओवरहेड्स विल बी डिपेंडेंट अपॉन पीरियड. तो कभी भी प्रॉफिट वेरिएंसेस के बारे में सोचते हो, ऐसा ही सोचा करो, इस पीरियड के अंदर प्रॉफिट कितना कमाना चाहिए था, इस पीरियड के अंदर प्रॉफिट कितना कमा लिया. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें विल बी सेम एज सेल्स वेरिएंसेस, बहुत सारी चीज़ें विल बी सेम एज सेल्स वेरिएंसेस जो इसे पिछले वाले लेक्चर के अंदर था. ऑब्वियसली सम थिंग्स विल बी चेंजिंग क्योंकि वो सेल्स वेरिएंसेस था. सी द इम्पैक्ट ऑफ एवरीथिंग ऑन सेल्स, दिस इज सी द इम्पैक्ट ऑफ एवरीथिंग ऑन प्रॉफिट. ओके, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये जो प्रॉफिट वेरिएंसेस है अभी जो चल रहा है, इज डिपेंडेंट अपॉन पीरियड. तो सपोज स्टैंडर्ड डेटा 1 मंथ का है, एक्चुअल डेटा 1 मंथ का है, तो सब बराबर है. अगर एक्चुअल डेटा कभी 1 ईयर का होगा तो याद रखना आपको स्टैंडर्ड डेटा भी 1 ईयर का ही करना पड़ेगा. सेलिंग प्राइस आपके प्रोडक्ट्स का क्या होना चाहिए था, कॉस्ट पर यूनिट कितना होना चाहिए था, प्रॉफिट पर यूनिट कितना कमाना चाहिए था, कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था, प्रॉफिट इन ऑल कितना कमाना चाहिए था और कितना कमा लिया. आई एम ट्राइंग टू डू द थिंग्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. याद रखना ऑल योर वेरिएंसेस डिपेंड अपॉन वेदर इट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और इट इज मार्जिनल कॉस्टिंग. ठीक है, तो आज का अपना जो लेक्चर है ये भी मैं 2 पार्ट्स के अंदर ही कर रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग. तो अभी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चल रहा है. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगा तो बस इतना याद रखना यहाँ पर हमेशा कॉस्ट पर यूनिट आता है. कॉस्ट पर यूनिट के अंदर आपके 4 कॉस्ट आ जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कभी हुआ तो वो भी आ जाएगा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स. एज आई टोल्ड आई एम ओनली ट्राइंग टू कवर अप द थिंग्स दैट आई हैव डन टिल नाउ. तो मैं एडमिन और S&D करंटली पिक्चर के अंदर नहीं लेकर आ रहा हूँ. ठीक है, तो इसके बाद तुम्हारे वेरिएंसेस स्टार्ट हो जाते हैं. टोटल नेट प्रॉफिट वेरिएंस ब्रोकन अप इनटू नेट प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू चेंज इन सेल्स एंड चेंज इन कॉस्ट. चेंज इन सेल्स वाला जो वेरिएंस है वो ICAI डायरेक्टली नहीं निकालता, उसका 2 पार्ट्स कर देता है, सेलिंग प्राइस वेरिएंस, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस. प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस इज स्लाइटली ऑन सेम लाइंस एज सेल्स वॉल्यूम, ऑब्वियसली कुछ तो फर्क होगा वो देख लेंगे. ब्रोकन अप इनटू प्रॉफिट मिक्स, प्रॉफिट क्वांटिटी, ब्रोकन अप इनटू प्रॉफिट मार्केट साइज एंड प्रॉफिट मार्केट शेयर. याद रखना ये सारे नाम वही हैं जो सेल्स के अंदर थे, बस वहाँ पे ये 5 वर्ड्स प्रॉफिट वर्ड के बदले में सेल्स आ जाता था, अभी प्रॉफिट आएगा. ठीक है, तो सुन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सबसे पहले टोटल नेट प्रॉफिट वेरिएंस, स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट माइनस एक्चुअल नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कमाना चाहिए था और प्रॉफिट कितना कमा लिया. सेकेंड, इसका 2 पार्ट होगा, सेलिंग प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, एड अप करके रोमन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस वेरिएंस. ये सेम वाला वेरिएंस है जो तुम्हारे सेल्स वेरिएंसेस के अंदर भी था, नो चेंज. कितना प्राइस होना चाहिए था, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, किस प्राइस के ऊपर बेचा, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड. प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था माइनस कितना यूनिट्स बेचा, इनटू स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट पर यूनिट, इनटू स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट पर यूनिट. तो सुनो, इन दिस केस नो, याद रखना स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट पर यूनिट, जब आप लोगों ने सेल्स वेरिएंसेस किया था तो आप लोग बाहर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि वो सेल्स वॉल्यूम था, ये प्रॉफिट वॉल्यूम है, सो मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट पर यूनिट. आगे 2A, प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस, ब्रैकेट सेम है बेटा जो सेल्स मिक्स के अंदर भी था तुम्हारे पिछले लेक्चर में, आउटसाइड यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट पर यूनिट. उसके बाद प्रॉफिट क्वांटिटी या सब वॉल्यूम वेरिएंस, ओवरऑल कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था माइनस ओवरऑल कितना यूनिट्स बेचा. पहले सेल्स क्वांटिटी होता वी वो मल्टीप्लाइंग बाय स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस, नाउ यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज नेट प्रॉफिट. आगे रोमन नंबर 1, प्रॉफिट मार्केट साइज वेरिएंस. ठीक है,
तो मार्केट का साइज़ कितना होना चाहिए था माइनस मार्केट का साइज़ कितना हो गया, तो मार्केट का साइज़ इतने से चेंज हो गया, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मार्केट शेयर इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज नेट प्रॉफिट पर यूनिट, दैट्स इट. इनफैक्ट ये वाला भी जो ब्रैकेट है बेटा वो सेम ही है, ओके. बस बाहर वाला चीज़ चेंज हो जाता है एंड इट बिकम्स दिस पर्टिकुलर वेरिएंस. उसके बाद प्रॉफिट मार्केट शेयर वेरिएंस, एक्चुअल मार्केट साइज के ना अपना शेयर कितना होना चाहिए था, सच्ची के ना कितना यूनिट्स बेचा, इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज नेट प्रॉफिट. रोमन नंबर टू, नेट प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट कितना होना चाहिए था माइनस कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये वाला काम, हम लोगों ने इतना काम अभी तक कर लिया था. ठीक है, याद रखना एक छोटा सा चेक तुम्हारा टैली हो जाएगा, टोटल नेट प्रॉफिट वेरिएंस विल टैली विद नेट प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू चेंज इन सेल्स प्लस नेट प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट. ये हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. अभी मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर भी स्टैंडर्ड प्रॉफिट सपोज वन ईयर का है तो एक्चुअल प्रॉफिट भी वन ईयर का ही होना चाहिए. दो प्रोडक्ट्स हैं तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए था, कितना हो गया. मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट था लेकिन अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, बस जो भी चेंजेस हैं इसी के आगे अभी चेंजेस होते रहेंगे. सब्ट्रैक्ट करके सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ जाता है, उसके बाद क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा टोटल वाला, उसके बाद फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड सब्ट्रैक्ट कर लो और उसके बाद प्रॉफिट आ जाएगा, दैट्स इट. ओके, सेम थिंग एक्चुअल के अंदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड वो कितना था, उसके बाद तुम्हारे प्रॉफिट आ जाएंगे. एक बार तुम्हारा ये वाला काम हो गया तो देखो, अभी मैंने नया चार्ट एक्चुअली ये बनाया बट नॉट रिक्वायर्ड. हर जगह पर बेसिकली क्या बदल गया, ये चार्ट बिल्कुल वही है, बस जिधर भी वर्ड प्रॉफिट था मैंने उसके बदले में अभी यहाँ पर क्या डाल दिया है, कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, बस और कुछ भी चेंज नहीं किया और हर एक जगह पर जो भी चेंज आ रहा है इसी की वजह से आ रहा है. स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट माइनस एक्चुअल नेट प्रॉफिट विल गिव यू टोटल नेट प्रॉफिट वेरिएंस. उसका दो पार्ट है, नेट प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू चेंज इन सेल्स सेलिंग प्राइस वेरिएंस, कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस. बस कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस जब कंप्यूट करोगे तो बाहर प्रॉफिट पर यूनिट से नहीं मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस वेरिएंस तो हर जगह पर सेम ही होता है, ये कंप्यूट कर लेना, ये कंप्यूट कर लेना, एड अप करके तुम लोगों को ये वाला वेरिएंस मिल जाएगा. एक बार ये वाला वेरिएंस कंप्यूट हो गया उसके बाद कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम का दो पार्ट, मिक्स एंड क्वांटिटी, बस बाहर प्रॉफिट पर यूनिट के बदले में कंट्रीब्यूशन, बस और कुछ फर्क नहीं है. उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्केट साइज, कंट्रीब्यूशन मार्केट शेयर. बाहर पहले स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता था, अभी स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और कुछ फर्क नहीं. अगर एक एग्जांपल देने के लिए जाऊं तो स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे मिल जाएगा, ए का कंट्रीब्यूशन बी का कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो दिस अपॉन दिस विल गिव यू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन. एक बार तुम्हारा ये वाला काम हो जाएगा, रोमन नंबर टू, नेट प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट. अभी बस कैलकुलेशन थोड़ा अलग वे से करेंगे, अभी ना कैलकुलेशन टोटैलिटी के अंदर ही करते हैं क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट नहीं होता. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस, जितना भी यूनिट्स बनाया उसके लिए टोटल खर्चा कितना होना चाहिए था. जब आप टोटल खर्चा निकालोगे तो ऐसे करना, जितना भी एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस था इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेना. ठीक है, तो दिस विल गिव यू स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट. लेकिन ऑब्वियसली आपको यहाँ पे और क्या ऐड करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट, वो भी तो कॉस्ट है लेकिन लमसम के अंदर ऐड करना, माइनस देख लो एक्चुअल के अंदर खर्चे कितने हो गए, दिस विल गिव यू दिस पर्टिकुलर आंसर. एक बार ये हो जाएगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा ये वाला वेरिएंस टोटल नेट प्रॉफिट वेरिएंस विल टैली विद नेट प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू चेंज इन सेल्स प्लस नेट प्रॉफिट वेरिएंस ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट. ठीक है, चलिए दिस विल एग्जॉस्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट एज सच. तुम्हारा प्रॉफिट तक सब हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर, इंपॉर्टेंट लेक्चर, विल ट्राई टू स्टडी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिक्स्ड ओवरहेड्स, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंसेस. ठीक है, वो एक अपना टॉपिक होगा. दूसरा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट वेरिएंसेस एंड सेल्स वेरिएंसेस. दीज आर द थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई विल सी यू ऑल इन लेक्चर नंबर 20. बाय, सी यू ऑल.